बल्लू कांपते हुए कहता है, आप क्या करने वाले हैं मालिक? दिलीप बात को छिपाते हुए आक्रोश भरे अंदाज में कहता है, वो तो तू बस देखते जा, मैं कल उस यक्षिणी का क्या करता हूँ। वो यक्षिणी नहीं बचने वाली मेरे हाथों से। बल्लू दिलीप की बात सुनकर मन ही मन घबराते हुए सोचने लग जाता है कि मालिक क्या करने की सोच रहे हैं। मुझे मालिक को रोकना होगा, अगर मालिक को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अगले ही पल बल्लू हिचकिचाहट के साथ डरे हुए लहजे में कहता है, नहीं नहीं मालिक, आप वहां पर मत जाइए, कहीं आप भूल तो नहीं गए ना, कल पूर्णिमा है और पूर्णिमा और अमावस्या की रात वो यक्षिणी मर्दों को अपना शिकार बनाती है। मैं तो कहता हूँ आप कुछ मत कीजिए, जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दीजिए, क्यों खुद अपना पैर कुल्हाड़ी पर मार रहे हैं? अगर उस यक्षिणी ने आपको अपना शिकार बना। अपनी बात पूरी किए बिना ही बल्लू चुप हो जाता है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि इसके आगे कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। दिलीप बल्लू के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि बल्लू आगे क्या कहने जा रहा था। दिलीप बल्लू को गुस्से से भरी आंखें दिखाते हुए कहता है, तू शायद भूल रहा है बल्लू मैं कौन हूँ। मैं इस गांव का कर्ता धरता हूँ। यहाँ के लोग मुझे भगवान की तरह पूजते हैं और भगवान का काम होता है अपने भक्तों की दुष्टों से रक्षा करना, और वो यक्षिणी भी एक दुष्ट है, एक डायन है, तभी तो वो मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाती है। अगर इसी तरह वो यक्षिणी मर्दों को अपना शिकार बनाती रही तो एक एक करके गांव से मर्दों का नामो निशान मिट जाएगा, गांव में कोई नहीं बचेगा। अगर गांव में कोई बचेगा ही नहीं तो फिर मैं राज किस पर करूंगा, कौन मुझे भगवान की तरह पूजेगा, फिर इतनी धन दौलत का क्या करूंगा मैं। तू समझ रहा है ना मैं तुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बल्लू धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मालिक समझ रहा हूँ। दिलीप आगे बोल पड़ता है, इसलिए मुझे ही उस यक्षिणी का कुछ करना पड़ेगा, पहले मुझे भी उससे डर लगता था पर अब नहीं। बल्लू तुरंत दिलीप को एकटक नजरों से देखते हुए उससे पूछ पड़ता है, ऐसा क्या हो गया मालिक कि अब आपको उस यक्षिणी से डर नहीं लगता है? दिलीप बातों ही बातों में बह जाता है और बल्लू के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मेरे हाथों सघोरी की। दिलीप इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी वो चुप हो जाता है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वो बल्लू को उस अघोरी के खजाने और किताब के बारे में कुछ नहीं बता सकता था, वरना ये बात एक एक करके पूरे गांव में फैल सकती थी, और अगर ऐसा हो जाता तो फिर उसके हाथ कुछ नहीं लगता, वो भी बाकी के गांव वालों की तरह मामूली इंसान बनकर रह जाता। दिलीप तुरंत बात को पलटते हुए कहता है, तू ना बल्लू आजकल कुछ ज्यादा ही सवाल पूछने लग गया है मुझसे, भूल मत तू मेरा नौकर है और मैं तेरा मालिक, तू ना अपनी औकात में रहकर बातें क्या कर, समझा? तुझसे अच्छे से एक दो बातें क्या कर लूं, तू तो सिर पर ही चढ़ जाता है। अगले ही पल बल्लू शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेता है। दिलीप बल्लू पर फिर चिल्लाते हुए कहता है, अब तू यहाँ पर मुंह लटका कर खड़ा क्यों है, चल जल्दी चल, कल की तैयारी भी करनी है हवेली पहुँच कर, कल उस यक्षिणी की खैर नहीं। बल्लू अपने आप से ज्यादा दिलीप की जान की फिक्र करते हुए फिर हिचकिचाहट के साथ कहता है, पर मालिक आप जानते हैं ना कल पूर्णिमा है, कल रात फिर वो यक्षिणी किसी मर्द को अपना शिकार बनाएगी। दिलीप मुंह बनाते हुए कहता है, अरे हाँ मुझे पता है, कितनी बार मुझे याद दिलाएगा पूर्णिमा पूर्णिमा करके, पूर्णिमा तो रात से शुरू होगी ना, मैं तो सुबह सुबह ही उस यक्षिणी का शिकार वाला खेल खत्म कर दूंगा, फिर वो कभी किसी मर्द को अपना शिकार नहीं बना पाएगी, तड़पती रहेगी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ही। बल्लू को दिलीप की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो कल सुबह क्या करने वाला था, क्या चल रहा था आखिर उसके दिमाग के अंदर। दिलीप अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है, बल्लू भी परेशानी के साथ उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। जब दिलीप हवेली के अंदर पहुंचता है तो जाते से ही तहखाने के अंदर बैठ जाता है और अघोरी की किताब निकाल कर पढ़ने लग जाता है। उसे अच्छे से पता था कि उस किताब में यक्षिणी के बारे में अघोरी ने डिटेल से लिखा था कि कैसे यक्षिणी को काबू में किया जा सकता है, उसकी क्या कमजोरी थी और क्या ताकत। दिलीप ने यह अघोरी की किताब में तंत्र मंत्र के बारे में पढ़कर तो रखा था, पर कभी नहीं सोचा था कि इन सब का वो उपयोग भी करेगा, पर आज उसे उपयोग करना पड़ रहा था, क्योंकि वो यक्षिणी के प्रकोप से अपने गांव को बचाना चाहता था, इसलिए वो मजबूर हो गया था टोना टोटका करने के लिए। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि उस किताब के अंदर जरूर कोई ना कोई ऐसा टोना हो सकता है जिसे वो करके यक्षिणी पर काबू कर सकता है या उसे रोक सकता है। इसी उम्मीद के साथ दिलीप उस किताब को पढ़े जा रहा था, एक एक करके उसके पेजेस को पलटाया जा रहा था। दिलीप ग्रेवयार्ड कोठी में गया तो था कुछ और पता करने के लिए,
ये देखने कि उसके हाथ जो ब्लूप्रिंट लगा था उसके अंदर वो लाल निशान वाला कमरा ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कहां पर मौजूद था। पर ग्रेवयार्ड कोठी में पहुंचकर दिलीप वो कमरा तो नहीं ढूंढ पाया था, पर उसके हाथ कुछ और ही लग गया था। उसे यक्षिणी के ठिकाने के बारे में पता चल गया था, वो भी पूरी तरह कन्फर्म हो गया था कि यक्षिणी वहीं पर रहती थी। सुबह तक दिलीप के हाथ वो विधि भी लग जाती है जिससे वो यक्षिणी के साथ कुछ ऐसा कर सकता था जिससे वो यक्षिणी को मर्दों को शिकार बनाने से रोक सकता था। उस विधि का नाम था यक्षिणी बंदीकरण, जिसमें दिलीप यक्षिणी को ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ही कैद करने वाला था। दिलीप को जो जो सामान की जरूरत थी उसकी एक लिस्ट बनाकर बल्लू को वो सामान जल्द से जल्द लाने को कहता है। बल्लू जल्द ही लिस्ट में लिखा ज्यादातर सामान ले आता है, पर कुछ चीजें उसे नहीं मिली थी। दिलीप ज्यादा चिंता नहीं करता है क्योंकि बाकी का सामान जो उसे नहीं मिला था वो तहखाने के अंदर ही मौजूद अघोरी के जादू टोने वाले सामान से मिल जाता है। सारा सामान लेकर सुबह सुबह ही दिलीप बल्लू के साथ ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच जाता है। इस वक्त दिलीप और बल्लू ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ही मौजूद थे। बल्लू ने अपने हाथ में एक बड़ी सी पोटली पकड़ी हुई थी जिसमें कुछ सामान रखा हुआ था। बल्लू अभी भी डरा हुआ था, पर दिलीप के चेहरे पर डर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ग्रेवयार्ड कोठी के खिड़की दरवाजे खुले होने के कारण सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिस कारण अब ग्रेवयार्ड कोठी में अंधेरा नहीं था। सभी चीजें एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही थी जो रात में नहीं दे रही थी। दिलीप के साथ ही डरते हुए बल्लू भी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। बल्लू को यूं डरते हुए देख दिलीप बड़े ही ताव में उससे कहता है, बल्लू तू डर क्यों रहा है? मेरे होते हुए वो यक्षिणी तेरा कुछ नहीं कर सकती है, और मैंने तेरे हाथ में राई के दाने दिए हैं ना। जैसे ही वो यक्षिणी तुझे दिखे तो ये राई के दाने उसके सामने कर देना, और मैंने जो मंत्र बताया था वो पढ़ने लग जाना। फिर वो यक्षिणी तेरा कुछ नहीं कर पाएगी, तुझे छू तक नहीं पाएगी। बल्लू अपनी मुट्ठी के राई के दाने देखते हुए कहता है, मालिक आपको कैसे पता कि इन राई के दानों से वो यक्षिणी मेरे पास नहीं आएगी? दिलीप फिर बल्लू पर चढ़ते हुए कहता है, तूने फिर मुझसे पलट कर सवाल किए। मैं जो कहता हूँ ना, जैसे कहता हूँ वैसे वैसे करते जा, उसी में तेरी भलाई है। यूं इस तरह पलट कर सवाल मत किया कर, समझा? बल्लू खामोश रहता है। दिलीप और बल्लू दोनों रूम नंबर 666 के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, जहां पर उन्हें कल रात यक्षिणी दिखी थी। बल्लू के तो अभी से पसीने छूटने लग गए थे। उसके मन में डर था कि कहीं उसे यक्षिणी फिर से ना दिख जाए। दिलीप बड़ी ही हिम्मत से दरवाजे को धक्का दे देता है। इस बार जब दरवाजा करकराते हुए खुलता है तो वो देखता है कि उस कमरे के अंदर यक्षिणी नहीं थी, वो कमरा खाली था। दिलीप कमरे के अंदर कदम बढ़ाते हुए अपने आसपास देखते हुए कहता है, यक्षिणी कहाँ गई? वो यक्षिणी कल रात तो यहीं पर थी। बल्लू बोल पड़ता है, लगता है वो चली गई मालिक, और अब हमें भी चले जाना चाहिए। दिलीप बल्लू को गुस्से के साथ घूरने लग जाता है। फिर बल्लू पलटकर कुछ नहीं कहता है। दिलीप कमरे के अंदर अपने आसपास देखते हुए कहता है, वो यक्षिणी यहीं कहीं होगी, वो यहां से कहीं नहीं जा सकती, हमें उसे ढूंढना होगा। बल्लू फिर डरते हुए कहता है, मालिक हम क्यों खुद अपनी मौत ढूंढ रहे हैं? दिलीप आक्रोश के साथ कहता है, ताकि वो यक्षिणी फिर किसी मर्द की मौत ना बन सके। मैं उस यक्षिणी को यहीं पर बांध कर रख दूंगा, जा और जाकर ढूंढ उस यक्षिणी को, वो यहीं पर आसपास ही कहीं होगी। बल्लू वहीं पर खड़ा रहता है, एकटक नजर से दिलीप को घूरते रहता है। दिलीप फिर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अरे यहां पर खड़ा क्या है, जा और जाकर ढूंढ उस यक्षिणी को। बल्लू हड़बड़ाहट के साथ कहता है, जी मालिक अभी जाता हूं। इतना कहकर बल्लू अपने हाथ में पकड़ी हुई पोटली को वहीं पर रखता है और ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ही यक्षिणी को ढूंढने लग जाता है। बल्लू के साथ ही दिलीप भी यक्षिणी को हर कमरे के अंदर ढूंढने लग जाता है। जहां बल्लू डर डर कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, वहीं दिलीप तेजी से हर तरफ देख रहा था। वो किसी भी हाल में यक्षिणी के ग्रेवयार्ड कोठी में होने का पता करना चाहता था। बल्लू ग्रेवयार्ड कोठी के हॉल और किचन में यक्षिणी को ढूंढ रहा था, और दिलीप ग्रेवयार्ड कोठी के बाकी सभी कमरों में यक्षिणी की तलाश कर रहा था। कई घंटों की मेहनत के बाद भी दिलीप और बल्लू को कहीं भी यक्षिणी नहीं दिखती है। वो दोनों मिलकर पूरी ग्रेवयार्ड कोठी छान मारते हैं, उसका हर एक कमरा, पर यक्षिणी उन्हें कहीं भी नहीं दिखती है। यक्षिणी को ढूंढने में दिलीप इतना मदहोश हो गया था कि वो भूल गया था कि कल रात जो वो कागज लाया था वो वहीं पर रह गया था, उसका उस कागज पर ध्यान ही नहीं गया था।
जब दिलीप बहुत परेशान हो जाता है और यक्षिणी उसे नहीं मिलती है तो वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, लगता है वो यक्षिणी मेरे सामने ऐसे नहीं आने वाली। इतना कहकर दिलीप वो पोटली खोलता है जो बल्लू ने पकड़ कर रखी हुई थी। दिलीप उस पोटली में से 5 लुभान के पात्र निकालता है और अजीब अजीब से मंत्र पढ़ते हुए उस लुभान पात्र में राई के दानों से भी कोई बारीक चीज डालने लग जाता है। फिर उन लुभान पात्र को इस तरह जमीन पर रखता है कि एक लुभान पात्र के चारों तरफ बाकी के लुभान पात्र रखे हुए थे। बल्लू की तो समझ ही नहीं आ रहा था कि दिलीप आखिर कर क्या रहा था। उसे तो ये लगने लग गया था कि कहीं दिलीप सौदाया तो नहीं बन गया। जब बल्लू दिलीप को अजीब नजरों से घूरने लग जाता है तो दिलीप खुद समझ जाता है कि बल्लू के मन में क्या चल रहा है। दिलीप उसी वक्त अपने दोनों पैर आगे करते हुए कहता है, ऐसे क्या देख रहा है मुझे, मैं कोई सौदाया नहीं हूँ। कभी कभी हमें वो करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते हैं, पर करना पड़ता है क्योंकि वो करना हमारी मजबूरी होती है, और मैं ये अपने लिए नहीं गांव वालों के लिए कर रहा हूँ, समझा। दिलीप के इतना कहते ही बल्लू चैन की सांसें लेने लग जाता है। दिलीप माचिस जलाकर उस लुभान के पात्र में आग लगा देता है। जैसे ही उन लुभान पात्र में आग लगती है, कुछ ही सेकंड में उसमें से घना धुआं निकलने लग जाता है और ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर धुआं ही धुआं होने लग जाता है। देखते ही देखते इतना सारा धुआं हो जाता है कि दिलीप को बल्लू तक दिखाई नहीं दे रहा था। उसे दिखाई दे रहा था तो बस लुभान पात्र जिसमें से धुआं निकल रहा था। दिलीप खुद से बड़बड़ाते हुए मन में सोचने लग जाता है, अभी तक तो उस यक्षिणी को मेरे सामने आ जाना चाहिए था। किताब में तो यही लिखा था कि धुएं में यक्षिणी दिखाई देगी, फिर वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है। मैंने तो मंत्र भी बिल्कुल ठीक पढ़े हैं। कहीं यक्षिणी बंदीकरण विधि करने में मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।